हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण में बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक हल किया जाता है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 1/(x²+6)=1/10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखा जाए तो 1/(x²+6)=1/10 है तो इसका गुणा यहाँ कर दिया जाए और इसका गुणा यहाँ, तो ये क्या मिलता है? ये हो जाएगा 10(x²+6)। पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो गया x², ये वही है, 10 में से 6 घट गया, ये मिलता है x²=4। अब वर्गमूल ले लिया जाए तो x=±, करणी में 4। अब इसको लिखा जाए तो +-2×2, जब पेयर हो जाता है तो एक राशि बाहर निकलती है और ये मिल जाता है x=±2। और इस प्रकार इस प्रश्न का सलूशन हो जाता है। ये देखा जाए तो x+1/(x)=7 दिया है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? x+1/(x)² और 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब थोड़ा सा साल्व कर लिया जाए तो ये मिलता है x²+1/(x²+2×(x)×1/x और ये 49। यक्ष से यक्ष कट जाता है तो अब जो पूछ रहा है कि x²+1/(x)² का मान क्या होगा, तो 49 में से 2 घट जाएगा और इस प्रकार 47 वैल्यू आ जाता है। इस x²+1/(x²=47 ये आंसर हो जाता है। ये देखा जा रहा है कि x पर 2 घात है तो यह एक द्विघात समीकरण होगा। अब पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए तो ये हो गया x²+4 से भाग देंगे तो ये हो गया bx। यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में a²-b²/4=0, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब तुलना कर लें तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x=-b±√(b²-4ac/2a। इसके लिए यदि समीकरण लिखें तो ये लिख सकते हैं x²+bx, यहाँ a रहेगा, ax²+bx+c=0। अब तुलना कर लिया जाए तो क्या मिलता है? b की जगह पर माइनस b है तो ये लिख दें -b±√(b) का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b²-4। 4 a का मान 1 है और यहाँ c का मान
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर है, फोर से फोर कैंसिल, बटे टू ए है तो दो बुढ़े एक, इसको सॉल्व किया जाए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ माइनस पहले ही से है तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले ही से है माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो ये होगा प्लस, अब इसको लिख दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टू, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स का मान आता है माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बटे दो, तो इसके दो वैल्यू हो जाते हैं देखा जाए तो एक वैल्यू एक्स बराबर, यदि प्लस लिखते हैं तो ए माइनस बी बटे दो, यदि माइनस लिखते हैं तो माइनस इन कॉमन ले लें तो ये होता है माइनस ए प्लस बी बटे दो। ये जो समीकरण है इसके मूल अल्फा बीटा हैं, तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम व्यवस्थित कर लें, दो से भाग देने पर क्या मिलता है, यक्स स्क्वायर माइनस तीन बटे दो यक्स प्लस पाँच बटे दो बराबर जीरो। अब इस समीकरण को दिए गए समीकरण से तुलना कर लें तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस गुणनफल मूलों का, ये हमारा इक्वेशन। अब इससे तुलना कर लें तो क्या मिलता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर तीन बटे दो, गुणनफल देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर पाँच बटे दो। अब दिया गया क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये देख रहे हैं इसमें अल्फा बीटा कॉमन है तो कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू रख दें तो ये देखते हैं अल्फा बीटा का मान पाँच बटे दो है और अल्फा प्लस बीटा का मान तीन बटे दो है, यानी कि ये पंद्रह बटे चार मिल जाता है। ये जो समीकरण है मान लेते हैं इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अब हम तुलना कर दें इस सवाल से, देखें ये जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो मूलों का योगफल देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ देखा जाए तो सात है, गुणनफल देखें अल्फा इंटू बीटा ये दिया है बारह। अब क्या चाहिए, कह रहा है मूलों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा, लघुत्तम ले लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान सात है और अल्फा बीटा का मान बारह है, तो इस प्रकार जो मूल होते हैं उसके व्युत्क्रम का मान, व्युत्क्रमों का योगफल का मान आ जाता है सात बटे बारह। ये देखा जाए तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस टू है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बीटा है, तो ये एक इक्वेशन यह है। दूसरा हम देखें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, इससे कंपेरिजन कर दें तो क्या मिलता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन और गुणनफल देखें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू टू, ये हमारा
मूल हो गए। अब कह रहा है मूल कितने दिए हैं, 2α+1 दिए हैं, 2β+1 दिए हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करें, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो मूलों का योगफल पहले देखें, मूलों का योगफल क्या मिलता है ये देखा जाए। यहाँ है 2α+1 प्लस 2β+1, दो कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया 2α+β और यहाँ हो जाएगा 2, मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2×1 + 2, ये 4 मिल जाता है। अब गुणनफल देखा जाए, मूलों का गुणनफल तो ये 2α+1 है, 2β+1 है, तो ये क्या मिलेगा ये थोड़ा सा सोचा जाए। तो ये हो गया 4α β, 2α, 2β, और ये गुणा करेंगे तो ये होगा +1। अब ये मान रख दिया जाए तो ये हो गया अल्फा बीटा का मान 2, 4×2, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया जाए तो α+β होगा, तो 2×1 और ये हो गया 1, तो 4×2 = 8, 2×10 = 11। अब क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये लिखते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि x² - मूलों का योगफल, मूलों का योगफल है 4 प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 11 = 0, ये हमारा समीकरण मिल जाता है। x² - 4x + 11 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण मिल जाता है। ये देखा जाए सवाल, ax² + bx + c = 0 के मूल α β हो तो α² / β + β² / α का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ये हो गया x² + b/a + c/a = 0। क्या किए हैं, a से भाग कर दिया गया है प्रत्येक टर्म में। अब हमारा जो स्टैंडर्ड समीकरण है उसको देखें, तो ये हो गया x² - मूलों का योगफल × x + गुणनफल, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे तुलना कर दें तो देखें क्या मिलता है, α+β = -b/a और α×β = c/a। अब दिया गया सवाल क्या कह रहा है, α² / β² + β² / α, एलसीएम ले लिया जाए α β, तो ये हो जाता है α³ + β³। अब हम फार्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अब हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं α+β³ - 3α β और ब्रैकेट में α+β, ये हमारा a³ + b³ का फार्मूला है, ये हो गया α β।
अब वैल्यू रखें थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या मिलता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस अल्फा बीटा तो सी बाई ए, और ये हो गया माइनस गुणा में बी बाई ए। अल्फा बीटा तो ये सी बाई ए, सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब और प्लस बी सी बटे ए स्क्वायर पूरा का बटा देखा जाए तो ये हो गया सी बाई ए। अब लघुत्तम ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, लघुत्तम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी बटे ए क्यूब नीचे आएगा और ए से ए कटेगा, ए क्यूब सी बाई ए, तो ये मिल गया ए बी सी माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर सी, ये इतना आंसर हो जाता है।